अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, टेक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो के साथ मैं हूं उस्मा आरिफ। सबसे पहले नज़र डालते हैं न्यूज़ हेडलाइंस पर। भीख नहीं आलूदगी फैलाने वाले ममालिक से माहौलियाती इंसाफ चाहते हैं। वज़ीर आज़म कहते हैं मेरे आवाम अपने ही मुल्क में माहौलियात से मुतासिर महाजरीन बन गए। आलमी बरदरी को सैलाब जदगान के लिए मज़ीद बेहतर और बड़े मनसूबे के साथ आगे आना चाहिए। अमीर ममालिक ने अमीर बनने के लिए पाकिस्तान पर बोझ डाला और मौसमियाती तब्दीलियां ले आए। वज़ीर ख़ारजा कहते हैं पाकिस्तान में बरतानिया जितनी ज़मीन का हिस्सा ज़ेरे आब है। सैलाब के बाइस माशी और ज़रई मसाइल दरपेश हैं। इस्तीफ़ा मंजूरी केस, पार्लियामान को नीचा दिखाने वाली पटिशन नहीं सुनेंगे। जस्टिस अथर मनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि जम्हूरियत को मजाक ना बनाएं, सियासी झगड़ों को पार्लियामेंट में हल होना चाहिए। अजीम फौज अपने लोगों पर कभी गोली नहीं चलाएगी, साफ इलेक्शन कराएगी। शेख रशीद कहते हैं आर्मी चीफ के बयान के बाद अफवाहें ख़त्म हो गईं, अब फौरी इलेक्शन होना चाहिए। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. Headlines आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि आलमी बरादरी के फंड्स अतियात और मदद के वादे नाकाफी हैं। मुल्क में होने वाली तबाही हमारे माशी और वसाइल से बाहर है। वज़ीर आज़म ने गैर मुल्की अखबार को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि माली मुआवनत अर्जों की सूरत में नहीं होनी चाहिए। तबाहकुन सैलाब के बाद मदद की भीख नहीं मांगेंगे। पाकिस्तान को मानसून की शदीद बारिशों के बाद बड़े चैलेंजेस का सामना है। तबाहकुन सैलाब के बाइस मुल्क का एक तिहाई हिस्सा ज़ेरे आब आया है। बाज़ इलाकों में शदीद तूफ़ानी बारिशें हुई, ज़िंदगी में इतने बड़े पैमाने पर तबाही और आवाम के मसाइब नहीं देखे। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा है कि हम किसी पर इल्ज़ाम तराशी नहीं कर रहे, लेकिन ये हमारा क्या धरा नहीं, क्या मुझे कशकोल उठाकर मदद की अपील करनी चाहिए। चीन पेरिस क्लब समेत सबसे गैर मुल्की कर्जों की मौतली के इम्कानात पर बातचीत जारी है। पाकिस्तान किसी सूरत भी नादहंदा नहीं होगा। उनका कहना था कि हम माली मुआवनत की बात कर रहे हैं, मजीद कर्जों की नहीं। अमीर ममालिक ने मौसमियाती हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए 100 अरब डॉलर माहौलियाती फंड में देने का वादा किया था। मौसमियाती हंगामी सूरत हाल के लिए वो रकम कहाँ है? अमीर ममालिक के लिए अपने वादे पूरे करने का ये बेहतरीन वक्त है। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि इस वक्त हमें सियासत का नहीं सोचना। कुछ लोग साजिशें कर रहे हैं कि सैलाब के दौरान इनकी हुकूमत कैसे आए, लेकिन हमारे लोग जिंदा रहेंगे तो सियासत कर सकेंगे। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि सैलाब की वजह से कोरोना से ज़्यादा मईशत पर असर पड़ा है, लेकिन हुकूमत सिंध दिन रात सैलाब मुतासरीन के लिए काम कर रही है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और निसार खोड़ों के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि सैलाब के बाइस 40 लाख एकड़ ज़रई ज़मीन पर पानी आया। तमाम मौजूदा वसाइल सैलाब मुतासरीन की इमदाद पर लगा दिए हैं। सैलाब का 50% पानी निकाला जा चुका है। मुकम्मल पानी निकलने के बाद असल नुकसान का अंदाज़ा हो सकेगा। कराची में तारीखी बारिशें हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान नज़र आ रहा है। कराची में बारिश से नुकसान 30 अरब डॉलर के नुकसान में शामिल नहीं है। उनका कहना था इस्लामाबाद की तरफ बढ़ें तो लगता है अलग मुल्क है। यह नहीं हो सकता कि दो पाकिस्तान हों, ये नहीं हो सकता कि एक पाकिस्तान में सियासी गेम होता रहे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि शहबाज शरीफ पूरे पाकिस्तान को ओन कर रहे हैं। वज़ीर आज़म के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने सबसे ज़्यादा दौरे सिंध के किए और वो मदद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूएन सेक्रेटरी जनरल यूएन जनरल असेंबली इजलास से पहले ही पाकिस्तान पहुँचे। यूएन सेक्रेटरी जनरल के शुक्रगुजार हैं कि वो मसरूफियत के बावजूद हमारे पास आए। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि बैन अल-अक़वामी बिरादरी के सामने सैलाब के बाइस पाकिस्तान में होने वाली तबाही का मुकदमा पेश किया। अमीर ममालिक ने अमीर बनने के लिए हम पर बोझ डाला
और मौसमियाती तब्दीलियाँ ले आए। हम आलमी बरादरी से भीख नहीं इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं। मैं जगह जगह जाके हर मुल्क से राबता करके, चाहे वो इमदाद हो या कर्ज का माफी हो या किसी किसी चीज का, मैं हमारे हमें बहुत मदद मिल रहा है, लेकिन तादाद इतना ज्यादा है, मुतासरीन इतने ज्यादा हैं, मसाइल इतने ज्यादा हैं कि जितना भी हम करें वो कम लगता है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स में कहा कि असेंबली का मेंबर रहकर असेंबली से बाहर रहना पार्लियामेंट की तौहीन है। इस हवाले से मजीद जानते हैं। तहरीक इंसाफ के 10 अरकान के कौमी असम्बली की जानिब से आइनी तरीके के बगैर इस्तीफे मंजूर किए जाने के खिलाफ दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने समाअत की। पिटिशनर्स की जानिब से वकील अली जफर ने अदालत में पेश होकर दलाइल दिए कि आर्टिकल 64 के तहत प्रोसेस को मुकम्मल नहीं किया गया। अदालत ने इस्तफसार किया कि पहले ये बताएं पार्टी की पॉलिसी के खिलाफ है, क्या पार्टी ने उनके खिलाफ एक्शन लिया, इस पिटिशन का मकसद क्या है, क्या ये पार्टी पॉलिसी है। पहले ये पिटिशन्स अपनी नेक नियति साबित करें, पार्लियामेंट के मामलों में अदालत मदाखलत नहीं करती। वकील अली जफर ने अदालत को बताया कि पिटिशनर्स पार्टी पॉलिसी के साथ हैं, इसके खिलाफ नहीं, जिस पर अदालत ने सवाल किया कि तो फिर ये क्यों वहां जाना चाहते हैं, पिछली पिटिशन इससे मुख्तलिफ थी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ये सियासी मामलात हैं और उनके हल का फोरम पार्लियामेंट है, ये मुतमईन करें कि ये 10 अरकान पार्लियामेंट में जाना चाहते हैं, अगर ये केस है तो फिर ठीक है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या ये मुस्ताफी अरकान वाकई पार्लियामेंट में जाकर आवाम की खिदमत करना चाहते हैं। इस केस में पिटिशंस कह रहे हैं कि उन्होंने जूनियन इस्तीफे जमा करवाए, ये स्पीकर के पास वापस जाने का नहीं बल्कि सिर्फ टेक्निकल इशू है। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि पार्लियामेंट जाएं, सियासी अदम इस्तेहकाम खत्म करें और पार्लियामेंट को एहतराम दें। इस मुल्क का सबसे बड़ा फोरम पार्लियामेंट है, वहां जाकर अपने सियासी मामलात हल करें, आप पार्लियामेंट जाकर अपनी नेक नियति साबित करें। वकील पीटीआई बैरिस्टर अली जफर ने अदालत को बताया कि बयान हल्फी जमा कराने के मामले पर भी कुछ वक्त दरकार होगा। अदालत ने बगैर किसी हुक्म के केस गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। अवामी मुस्लिम लीग के सरबरा शेख रशीद अहमद ने कहा है कि बैलेट के मुकाबले में बुलेट का इस्तेमाल सारे मुल्क में सियासी आग लगा देगा, तबाह कुन मईशियत खतरनाक बहरान में दाखिल हो जाएगी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अवामी मुस्लिम लीग के सरबरा शेख रशीद अहमद ने कहा है कि अजीम फौज कभी अपने लोगों पर गोली नहीं चलाएगी, मुज़ाकरात की मेज पर लाएगी और साफ शफाफ इलेक्शन कराएगी। समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी बयान में शेख रशीद का कहना था के आर्मी चीफ के बयान के बाद अफवाहें खत्म हो गईं, अब फौरी इलेक्शन होनी चाहिए। हुकूमत इस्लामाबाद के 25 लाख लोगों को किला बंद करेगी तो लोग इस्लामाबाद के अंदर और मारगला की पहाड़ियों से निकलेंगे। साबिक वजीर दाखला का कहना था कि बेल्ट के मुकाबले में बुलेट का इस्तेमाल सारे मुल्क में सियासी आग लगा देगा, तबाह हाल मईशत खतरनाक बहरान में दाखिल हो जाएगी। इस्लामाबाद के लोगों ने महसूर होने के खौफ से घरों में राशन डालना शुरू कर दिया है। शेख रशीद ने मजीद कहा कि वज़रा की तादाद 75 जिनमें 22 पे महकमा है, कंटेनर रास्ते नहीं रोक सकते, फौज बुलाने और आर्टिकल 245 लगाने का ख्वाब देखना छोड़ दें। अजीम फौज कभी अपने लोगों पर गोली नहीं चलाएगी, मुज़ाकरात की मेज़ पर लाएगी और साफ शफाफ इलेक्शन कराएगी। मजीद खबरें भी इस बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस ब्रेक के बाद।